नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लंबे समय से ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइन की खबर से। किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों ने वेतन को लेकर विजय माल्या को एक खुला खत लिखा है। कर्मचारियों ने खुले पत्र में माल्या पर देश की खासकर विमानन उद्योग की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने लिखा है कि हम आपकी उदासीनता की वजह से लगातार पीड़ा और तनाव में है। उन्होंने माल्या के उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें माल्या ने कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि कोई पछतावा नहीं होने की टिप्पणी से सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, जबकि हमारे लिए किंगफिशर एयरलाइंस का अस्तित्व अब भी है क्योंकि हम अब भी बिना वेतन के पेरोल पर हैं। आपको बता दें कि माल्या ने हाल ही में कहा था, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जब तेल की कीमतें इतने निचले स्तर पर हैं, किंगफिशर एयरलाइंस उड़ान नहीं भर पा रही है। साथ ही कर्मचारियों ने पीएम से भी इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि नए बैंकरप्सी कानून में ऐसी स्थितियों का शामिल किया जाए जिसमें कंपनियों कर्मचारियों को उनका बकाया नहीं देती हैं। सांसद इन स्थितियों को देखें। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी समीर फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, बैंक्स की परेशानी तो बड़ी हुई है माल्या के डिफॉल्ट्स की वजह से, जो कि बैंक का कर्ज है। अब जो किंगफिशर के कर्मचारी हैं उनकी तकलीफ भी, उनका दर्द भी सामने आने लगा। जी बिल्कुल ताबिश, देखिए लगातार किंगफिशर के जो एम्प्लॉयज हैं वो विजय माल्या को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वो अलग अलग एजेंसीज का दरवाजा खटखटा चुके हैं कि विजय माल्या के खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो और वो एक्शन इस तरीके का हो कि उसका फायदा एम्प्लॉयज को मिले। क्योंकि ताबिश, किंगफिशर एयरलाइंस जिस तरीके से बंद हुई थी, सारे एम्प्लॉयज को उनका बिना वेतन दिए उनको छोड़ दिया गया था उनके हाल पर ही। यही वजह है कि एम्प्लॉयज का जो दर्द है वो रह रहकर इस तरीके से सामने आता है। उन्होंने कई बार विजय माल्या के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपील करी है। एक बार फिर से जब विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बन रहा है, इस मौके पर उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें विजय माल्या की उन्होंने अब तक जिस तरीके से किंगफिशर एयरलाइंस को लेकर बेरुखी रखी है या एम्प्लॉयज को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है, उस दर्द को बयां किया है। साथ ही प्रधानमंत्री से अपील करी है कि अब जब आप देश में काले धन का जिक्र कर रहे हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, ऐसे में विजय माल्या के खिलाफ जरूर कोई एक्शन लीजिए। साबिश एक बात और है कि विजय माल्या की मुश्किल सिर्फ यही नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि SBI ने भी जो केस उनके खिलाफ दायर किया है उसमें 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को DRT में सुनवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला इस पर आकर टिक गया है कि आखिर इतने बड़े लोन को, हजारों करोड़ रुपए के लोन को कोई ना चुकाकर कैसे देश से बाहर जा सकता है, और वो भी महज 515 रुपए के सेटलमेंट कर, 515 करोड़ रुपए के सेटलमेंट करके देश के बाहर जाने की स्थिति में कैसे आ सकता है। और इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी है। बैंक भी समझ रहे हैं कि ये ठीक स्थिति नहीं होगी, इससे गलत संदेश जाएगा, और इस सब को लेकर बैंक भी लामबंद हुए हैं। तमाम बैंक कर्नाटक हाईकोर्ट गए हैं। DRT में भी 10 तारीख को चुनाव इस मामले की सुनवाई है। कुल मिलाकर विजय माल्या एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रहे हैं जिसमें विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है, ये वो केस बन जाएगा जिसमें आप बाकी इस तरीके के मामलों में एक नजीर पेश कर पाएंगे। इसलिए भी सरकार पर एक दबाव बन रहा है। जी लेकिन समीर, जो तकलीफ की बात है एयरलाइंस के कर्मचारियों की, एयरलाइन ग्राउंड पर है, उस पर कर्ज है, बैंक DRC में है विजय माल्या के अगेंस्ट। अगर बैंक्स की जो समस्या है वो चलिए एयरलाइंस के खिलाफ या DRC की तरफ से फैसला मिल जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का क्या होगा? विजय माल्या की तरफ से उनकी परेशानी तो वहीं की वहीं बराबर। बिल्कुल, ये वाजिब क्वेश्चन है क्योंकि एम्प्लॉयज का वेतन है या उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में लटका हुआ है, और इस बात को लेकर वो कई बार दोहरा चुके हैं कि इसमें या तो लेबर मिनिस्ट्री सामने आए या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर खुद प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें। और मोदी सरकार से पहले भी मई 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ग्राउंड हुई थी, यानी कि उसने उड़ान भरना बंद किया था। तत्कालीन जो सरकार थी UPA गवर्नमेंट, उस पर भी सवाल उठाए गए थे कि वो कुछ क्यों नहीं कर रही है। लेकिन पूरा केस अगर आप देखें तो इसमें एक चीज आप जरूर देखेंगे कि पॉलिटिकल
कोई इंटरेस्ट नहीं जताया गया था, यानी कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। और भले ही कितनी भी आवाजें उठी हूँ किंग विजय माल्या के खिलाफ, उन आवाजों को अनसुना कर दिया गया था। ऐसे में ये कहना कि उनकी तनख्वाह जो बकाया है उसको लेकर या भविष्य को लेकर क्या कोई और उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है, तो मोटे मोटे तौर पे तो ये समझ में आ रहा है कि शायद इस विषय को लेकर कोई बड़ा कदम ना हो। लेकिन हाँ, किंग फिशर के प्रमुख विजय माल्या के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है, उनसे लोन रिकवरी को लेकर कुछ एक्शन होता है, तो जरूर ये है कि जो विलफुल डिफॉल्टर वाला जो केस है उसमें एक कोई एग्जाम्पल कट कर पाएगी गवर्नमेंट। जी जी शुक्रिया समीर इस सब जानकारी के लिए। तो विजय माल्या के डिफॉल्ट की वजह से अब कहीं ना कहीं काफी सारे लोग अब इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हो, बैंक्स का कर्ज हो, या फिर किंग फिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉय हो। आगे बढ़ते हैं, आने वाले दिनों में विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि विजय माल्या कहीं भी जाए बैंक उन्हें छोड़ेगा नहीं। बैंक की MD उषा अनंत सुब्रमण्यम ने जी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो मंगल ग्रह पर भी चले जाएं, PNB उन्हें छोड़ेगा नहीं। आपसे पैसा लेके फॉरेन बैंक को दे दिया, छोड़ने वाले नहीं है, वो मार्च में भेजने तो पकड़ने वाले। लेकिन बैंक को उन्होंने पता चला कि सारा इंडियन बैंक से पैसा लेके फॉरेन बैंक को पेड ऑफ कर दिया उन्होंने वहाँ पे। वो कुछ भी करने दो यार, हम उसको तो उसके पीछे तो है, हम लोग पड़ा है, हम तो छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने वाले नहीं है। तो आगे आगे क्या मतलब कार्रवाई होती है, जो भी करना है वो वन बाय वन। हमने मैम स्टोरी की है DNA में, आपने देखा होगा कि विजय माल्या ने किस तरह से इंडियन बैंक से पैसा लेके फॉरेन बैंक को पे ऑफ किया है। मैम अब कुछ भी करने दो यार, अभी हम तो छोड़ने वाले नहीं है, वी आर आफ्टर हिम। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिफॉल्टर्स को लेकर बैंकों के पास रिकवरी के कई अधिकार हैं। साथ ही उन्होंने कर्ज रिकवरी के लिए सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। रिकवरी को लेकर जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, बैंक के पास आज भी काफी अधिकार उसमें है, सरकारी में है, DRT में है, जो कदम उठा रहे हैं उसी का प्रभाव है कि कुछ लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एसेट्स को ट्रांसफर किया जाए और उसका पैसा बैंकों तक वापस आए। प्रोविजनिंग यानी कि ऋण की स्थिति क्या है उसमें बदलाव आया है, कोई ऋण माफी किसी को नहीं दी जाएगी और ना दी गई है। तो NPAs यानी बैड लोन ने सरकारी बैंकों की सेहत बिगाड़ दी है। आपको बताते हैं कि बैंक का कितना पैसा अब NPA बन चुका है, जिसकी वजह से बैंक्स की फिक्र बढ़ी हुई है। SBI की अगर बात करें तो ग्रॉस NPA 72,792 करोड़ रुपए 31 दिसंबर 2015 तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रॉस NPA 38,934 करोड़ रुपए। इसके अलावा PNB की बात करें तो ग्रॉस NPA इनका है करीब 34,338 करोड़ रुपए। इंडियन ओवरसीज बैंक 22,672 करोड़ रुपए का NPA इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट पर है इस वक्त। IDBI बैंक ग्रॉस NPA 19,615 करोड़ रुपए 31 दिसंबर तक की ये डिटेल है, जो कि अब NPA बन चुका है इन तमाम बैंकों का। तो ये सब चीजें हैं जो कि बैंक की फिक्र बढ़ा रहे हैं। एक विजय माल्या का केस हमने आपको दिखाया, ऐसे ही तमाम डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंक्स के NPA को इस हद तक पहुंचा दिया है, जो एक फिक्र का सबब बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बैंक से कर्ज लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी बैंक्स के लिए गुड़गांव में हुए ज्ञान संगम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि उन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, उन्हें हर हाल में चुकाना ही होगा। ज्ञान संगम में कर्ज वसूली पर चर्चा हुई और SARFAESI एक्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को मजबूत करने पर सहमति बनी। सरकार PSU बैंकों के कर्मचारियों को ESOPs देने पर भी विचार करेगी। सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए इनके कंसोलिडेशन पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को कई बैंक्स की जगह मजबूत बैंक्स की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि NPA से निपटने के लिए सरकार कानूनी कार्रवाई के साथ साथ खास सेक्टर पर भी ध्यान दे रही है जहां ज्यादा दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर, हाईवे, शुगर और स्टील सेक्टर में ज्यादा दिक्कतें हैं। Important issues is that in the current global environment,
द बैंक्स हैव टू टेक ऑल द मेजर्स इन ऑर्डर टू क्लीन अप देयर बुक्स by effecting recoveries. There is a suggestion for some amendments to the Sarfazi Act. There is also a suggestion with regard to expediting the DRT process by some more amendments in the Act. The Department of Financial Services is working in that direction. It's at a fairly advanced stage. We are anxiously awaiting the report of the Joint Committee on the Bankruptcy and Insolvency Law. That will create a structural and an institutional mechanism which will help the banks as lenders. There are some specific sector-specific decisions which were required to be taken by the government. एनपीए की बात हो रही है तो अब आपको उन लोगों के नाम बताते हैं डिफॉल्टर्स जिनकी वजह से ये एनपीए बढ़ा है। सेंचुरी कॉम के ऊपर 348 करोड़ का लोन है। बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरुआत करते हैं, पांच बड़े डिफॉल्टर्स हम आपको बता रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। सेंचुरी कॉम 348, विक्ट्री करीब 83 करोड़ का लोन इनके ऊपर है, मालदर बैरल्स 80 करोड़ रुपए का कर्ज इनके ऊपर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, सुभिक्षा 75 करोड़ रुपए, हरेश ट्रेडिंग 39 करोड़ रुपए। ये तमाम आंकड़े 31 दिसंबर 2015 तक के हैं। पीएनबी की अगर बात करें तो फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी 748 करोड़ रुपए का कर्ज इनके ऊपर है। इसके अलावा जूम डेवलपर्स 410 करोड़ रुपए, नफेड 224 करोड़ रुपए। पीएनबी के जो पांच बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। एस कुमार 147 करोड़ रुपए का कर्ज इनके ऊपर है, आईसीएसए 135 करोड़ रुपए। ये तमाम वो डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंक्स का कर्ज ले रखा है और अब डिफॉल्टर लिस्ट में ये शामिल है। बैंक्स की फिक्र लगातार बढ़ रही है। बहरहाल बीजेपी के युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अधिवेशन को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोला। स्मृति ने सवाल उठाया कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों का समर्थन करना क्या अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने राहुल की उम्र पर भी तंज कसा। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव नतीजों का असर केंद्र सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म पर भी पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा में आंकड़ों का गणित बीजेपी के पक्ष में जाने पर तमाम अहम बिलों के पास होने का रास्ता साफ हो सकेगा। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के नतीजे केंद्र सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के अड़ियल रवैये से जीएसटी, रियल एस्टेट जैसे बिल राज्यसभा में अटके हुए हैं। जाहिर है इसका असर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर हुआ है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे राज्यसभा की तस्वीर कितनी बदलेंगे ये बड़ा सवाल है। क्या राज्यसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और क्या
कांग्रेस को नुकसान होगा। जाहिर है बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं तो राज्यसभा में फंसने वाले बिलों पर उसे राहत मिल सकती है। जानी मानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी मॉर्गन स्टैनली की माने तो जुलाई 2016 तक बीजेपी के पास इतने सांसद होंगे जिससे जीएसटी बिल पास हो सके। फिलहाल राज्यसभा में विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या 91 है, जिनमें से 67 कांग्रेस के सदस्य हैं। मार्च से जुलाई के बीच 75 राज्यसभा सदस्य रिटायर हो चुके हैं। चूंकि राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति राज्य विधानसभा में उनकी स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए कहा जा सकता है कि जुलाई तक इसमें बदलाव सरकार के पक्ष में होगा। मॉर्गन स्टैनली को अनुमान है कि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होगा, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान होगा। इसके अलावा बीजेपी को 7 नॉमिनेटेड सदस्यों का भी साथ मिलेगा। गौरतलब है कि 2 नॉमिनेटेड सदस्य पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि 5 मार्च में होने वाले हैं। नतीजतन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटों की संख्या 60 और बिल का समर्थन करने वाले 37 सदस्यों को मिलाकर ये संख्या 97 होती है, जो जुलाई में बढ़कर 110 हो जाएगी, जबकि विरोध करने वाले दलों के सदस्यों की संख्या 81 होगी। जीएसटी का समर्थन करने वाले 44 सदस्यों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या बढ़कर 154 हो जाएगी। 9 सदस्य ऐसे हैं जो फिलहाल किसी के साथ नहीं है और वोटिंग के दौरान किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर सरकार इनका समर्थन हासिल कर लेती है तो जीएसटी पास कराने के लिए जरूरी 163 के आंकड़े तक पहुंचना जुलाई तक मुमकिन होगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अगर राज्यसभा में 67 सदस्यों वाली कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है तो सरकार को बिल पास कराने के लिए 123 वोट की जरूरत पड़ेगी। इस स्थिति में बीजेपी को अपने सहयोगियों समेत 107 वोटों के अलावा 16 वोटों की जरूरत और पड़ेगी, जो मई तक उसे मिल जाएंगे। संसद से पास होने के बाद 29 में से आधे राज्यों से जीएसटी को पास कराना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 12 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है और कुछ राज्य पहले ही जीएसटी का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवें लुधियाना की जानवी बहल ने राजद्रोह के आरोप में जेल से रिहा हुए कन्हैया कुमार को ओपन डिबेट का चैलेंज दिया है। जानवी ने पीएम मोदी पर कन्हैया के हमले को लेकर कहा कि पीएम मोदी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा कहना ठीक नहीं है। कन्हैया को कॉलेज में पढ़ाई करना चाहिए, न कि राजनीति। आपको बता दें कि जानवी बहल को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मानित किया है। जो माहौल बना हुआ है 2 दिन पहले से, वो जो कन्हैया जी ने जो पीएम मोदी के खिलाफ बोला वो बिल्कुल भी असहनीय नहीं था। उन्होंने बिल्कुल बहुत गलत बोला है। उनको पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से अच्छा होता अगर वो उन देशद्रोहियों के बारे में बोलते जिन्होंने इस तरह के नारे लगाए थे। ये बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, जहाँ मर्जी मिले, मैं उनके साथ बहस करने को तैयार हूँ। और जयपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वाराणसी के नागेपुर गांव को गोद लिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का यह दूसरा गांव है जिसे सांसद ग्राम योजना के तहत पीएम ने गोद लिया है। इससे पहले जयपुर गांव को मोदी ने 7 नवंबर 2014 को गोद लिया था। जयपुर का 1 साल में कायाकल्प हो चुका है। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मोदी सेवापुरी विधानसभा के अपने दूसरे गांव नागेपुर की किस्मत चमकाएंगे। नागेपुर गांव के चयन की सूचना जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भेज दी गई है। इस चिट्ठी में 20 मार्च तक नागेपुर गांव के विकास का प्लान मांगा गया है। गुजरात में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद जारी किया गया है। आईबी की जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी भारत में दाखिल होने की फिराक में हैं और गुजरात पर आतंकी हमला कर सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुजरात में आतंकी हमले का अलर्ट। समंदर के रास्ते गुजरात में घुसे लश्कर के आतंकी। गुजरात इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी बोट मिलने से हड़कंप। पोरबंदर, कच्छ, भुज, वलसाड़ और वापी,
गुजरात के इन 5 शहरों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले का खतरा कच्छ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद हुआ है। गुजरात में लश्कर ए तैयबा के 8 से 10 आतंकियों के घुसने की आशंका है। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आतंकियों के गुजरात में घुसने की आशंका के बाद पाकिस्तान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईबी के अलर्ट के बाद पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। शहरों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आतंकी अलर्ट पर गुजरात पुलिस को डिटेल जानकारी दी, जिसके बाद गुजरात पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। डीजीपी पीसी ठाकुर ने सभी जिलों के पुलिस चीफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। छोटे और बड़े सभी शहरों में अलर्ट जारी कर सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। होटल और मॉल पर खास निगरानी रखी जा रही है। अलर्ट के बाद सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, पावर प्लांट और पटेल सरोवर डैम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से पिछले 6 दिनों में 3 बोट पकड़ी जा चुकी है, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस।